आज तो ये लोकतंत्र का मंदिर का गुंबद भी राम में ही हुआ है सो बिरतियों को कागर करके बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम हम खुशकिस्मत है कि भारत में पैदा हुए हम खुशकिस्मत है कि भारत में अयोध्या है हमारी खुशनसीबी है कि हम राम नाम लेवा लेकिन अगर राम को समझना है तो सबसे पहले हृदय में प्रेम आना चाहिए करुणा आनी चाहिए इसके बिना राम समझ नहीं आएंगे सियासतें होती रहेंगी इसमें थोड़ी बहुत ही नोक चोक भी होती है इन दिनों ये दिन उत्सव की तरह है सदियों से तरस रहे लोगों की तमन्ना आरजू मन्नते पूरी हुई है ना जाने कितनी अणमुल्ली जाने गई संतों महापुरुषों ने रो रो कर प्रे किया प्रार्थना की लेकिन अब जाके हम कितने खुशनसीब है हम उस वक्त सांस ले रहे हैं जिस दिन 22 जनवरी आई एक नहीं करोड़ों दिवालियां मनाई गई भारत से लेकर पूरी दुनिया भारत एक ऐसा खंड है जब खंड बने भी नहीं थे सबसे पुरानी संस्कृति है तो राम भगवान मोहब्बत का प्रेम का इंसानियत का मुजस्मा है राम भगवान को मानना है जानना है देखना है तो देखो इक्वलिटी ये जो समाजवाद भी हम जिक्र करते हैं समाजवाद भी भगवान राम की देन है वो कभी शबरी के जूठे बेर खाते केवट के जाते निषाद के जाते उनको सभी से प्यार था सभी से प्रेम था आप देखो आज हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन भगवान राम ऐसी हस्ती है जिन्होंने कुर्बानी की राज तिलक का समा हो ऑर्डर हो जाए हुक्म हो जाए कि बनवास जाना है तो ये भगवान राम ही कर सकते हैं हमें सीखना चाहिए इस नफरतों भरी दुनिया में भगवान राम का संदेश बहुत जरूरी है भारत को भी राम की जरूरत है इस वक्त आओ इस राष्ट्र को राम मान लो खुद हनुमान बन जाओ वफादार बन जाओ उस दिव्या आत्मा का मैं जिक्र जरूर करूँगा जिन्होंने अपनी माँ को धरती का रब और आकाशों का रब भगवान राम को माना आदर्श माना हमारे महबूब जजस्वी तेजस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिनके माथे पे ये यश लिखा हुआ था कितनों ने कोशिश की उनकी नीयत अच्छी थी उनको श्रद्धा थी भगवान राम प्रति उन्होंने बातें नहीं की उन्होंने सारा जीवन भगवान राम को आदर्श मान के जिया है इसीलिए तो प्रतान प्रतिष्ठा का ये जो सबसे अहम जिम्मेवारी सौंपी गई ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के हिस्से आई अब पूज्य ब्राह्मणों ने तो कहा था कि दो दिन का व्रत ही काफी है लेकिन उन्होंने ग्यारह दिन का व्रत रखा ना जाने देखो कितनी शिद्दत की सर्दी थी जबरदस्त ठंड में सर्दी में कितने जलों से वो नहाए और एक बात मैं जब सोचता हूँ भगवान राम के बारे में बोलूँ तो मैं सोचता हूँ मैं अदना सा एक छोटा सा बंदा क्या बोलूँगा मेरे शब्द मेरी वकेबलरी मेरा जेन जवाब दे जाता है अरे जिसकी सिर्फ जिसका गुणगान आज कभी भगवान वाल्मीकि जी ने किया हो गोस्वामी जी ने किया हो वो हम जैसे गरीब क्या करेंगे उनका गुणगान देखो प्रधानमंत्री जी ने एक और कैसी सोच अजीम सोच के अधीन भगवान वाल्मीकि जी को कितनी श्रद्धा पूर्वक कितना नमन किया कि रेलवे स्टेशन उनके नाम पे रखा ताकि 24 घंटे वाल्मीकि रामायण का पाठ भी हो पता भी चले कि भगवान राम के आने से पहले ही जिस हस्ती ने लिख दिया थे रामायण उनका जिक्र जरूरी है तो ये भी बहुत बड़ी बात है मैं प्रधानमंत्री जी का संतों महापुरुषों का और जितने भी लोग थे इवन अदालत वाले लोग जुडिशरी सबका धन्यवाद हमें करना चाहिए और रोम रोम से करना चाहिए क्योंकि राम को बसाना है तो प्रेम हृदय में बसाना है तो राम रोम रोम में बस जाएंगे क्योंकि मेरा संगीत से भी थोड़ा ताल्लुक है दो चार लाइनें आपकी नज़र करूंगा अगर इजाज़त हो तो पैगाम रोशनी अयोध्या जिनका धाम पैगाम रोशनी है अयोध्या है जिनका धाम उत्तम है सब जानों में नहीं इसमें कोई कलाम उत्तम है सब जानों में नहीं इसमें कोई कलाम इकबाल ने भी जिनको कहा हिंद के इमाम भारत की सरजमी पे है उनका वो मकाम सच्चाई का है प्रेम का संदेश राम राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम वो एक आदर्श भाई है वो एक आदर्श बेटा है वो एक आदर्श भाई है वो एक आदर्श बेटा है मोहब्बत के लिए किसने देखो दुखों को यूं समेटा है इस पहलू को भी देखें कि तमाम उम्र संघर्ष में गुजर गया भगवान होने के बावजूद अगर मालिक भी इस ह्यूमन बॉडी में आता है तो इंसान को क्या क्या तकलीफें आते खुद झेलता है वो एक आदर्श भाई है वो एक आदर्श बेटा है मोहब्बत के लिए किसने दुखों को यूं समेटा है कहीं ऐसा भी होता है कहीं नजर मार के देखो पूरी दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कभी एहसास ये होता है पिता के प्रेम में किसको यहाँ बनवास होता है पिता के प्रेम में जिसको यहाँ बनवास होता है वो है हमारा राम जय श्री राम जय 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 राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम और हमें चाहिए कि अगर अच्छे बेटे बनना है भाई बनना है अच्छे इंसान बनना है इवन अच्छे गवर्नेंस के हवाले से भी गवर्नेंस कैसी होती शासक बनना है तो भगवान के राम भगवान राम के फलसफे को मानो उनकी जिंदगी की तर्जमानी को अपनी रूह में बसा लो सियासतें होती रहेंगी आज लास्ट दिन है एक बार एक बार बोल दो सब लोग बोल दो खाली कुर्सियों को भी जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम इतना ऊंचा बोलो कि खाली कुर्सियों से उधर से आवाज जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम आदरणीय चेयरमैन सर कृपया बहुत बहुत में। धन्यवाद देता हूँ बहुत हर्ष है बहुत आनंद है कि आज प्रभु रामचंद्र पर यहाँ इस सदन में चर्चा हो रही है